कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस ने देश में रोजाना तकरीबन 4,000 लोगों की मौत हो रही है। इस बीच WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने COVID-19 महामारी की आगामी लहरों को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना की और भी लहरें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। DRDO की एंटी कोरोना ड्रग 2DG को सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया। अब इन्हें मरीजों को दिया जा सकता है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। ये दवा एक पाउडर के रूप में है। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का खतरा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित 7 राज्यों पर बना हुआ है। तूफान आज रात 9 से 10 बजे तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकरा सकता है और पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरेगा। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। चक्रवाती तूफान ताउते लगातार डरावना होता जा रहा है। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद ताउते का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए पुष्कर में बने इसराइलियों के धर्मस्थल खबाद हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। RAC के सशस्त्र जवान 24 घंटे सूने पड़े इस विदेशी धर्मस्थल के बाहर पहरा दे रहे हैं। बंगाल के नारदा केस में एक बार फिर CBI ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने सोमवार को कई जगह छापे मारे। इसके बाद ममता सरकार में मंत्री फिरदा हकीम, सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मिश्रा और पूर्व मेयर शोभान चटर्जी से पूछताछ शुरू की। घरेलू शेयर बाजार में आज चौतरफा खरीदारी हुई। NSE का निफ्टी 245 पॉइंट यानी 1.67% के उछाल के साथ 14,923 पॉइंट पर बंद हुआ। BSE सेंसेक्स 848 पॉइंट यानी 1.74% की मजबूती के साथ 49,580 पॉइंट पर बंद हुआ।